कामाक्ष कलापीठं कलासौंदर्यचंदिरं ज्ञानपीयूष निस्यंदं नाट्यसंगीतमंदिरं। कलाकार स्वांत सुखाय तो करता ही है, लेकिन बहुजन हिताय तपस्या करता है। तो ऐसे तपस्वी कलाकारों में सोनल दीदी का आज नाम है देश में। जब उनकी बायोग्राफी मैंने पढ़ी तो उनके दादा गवर्नर थे, मुरारजी भाई के दोस्त थे, और कला पे पहली लड़ाई उन्होंने शायद मुरारजी भाई के साथ ही करी थी। वो पूरा वर्णन उनकी बायोग्राफी में आता है। राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतम शरणम प्रपद्ये शरणम प्रपद्ये शरणम प्रपद्ये। नमस्कार। हमारी प्रमुख अतिथि माँ कामाख्या को प्रणाम, जिनके आशीर्वाद से श्री कामाख्या कलापीठ एवं सेंटर फॉर इंडियन क्लासिकल डांसेस के 45वें वार्षिक उत्सव का आयोजन हो रहा है। रामोत्सव इज अ पार्ट ऑफ द अनब्रोकन ट्रेडिशन ऑफ 45th एनुअल सेलिब्रेशन ऑफ द सेंटर फॉर इंडियन क्लासिकल डांसेस। इस वर्ष हम इसे रामोत्सव के रूप में मना रहे हैं, जिसमें दो दिन हमें भगवान श्री राम और माता जानकी की कथा के विभिन्न रूप दिखाई देंगे। डॉक्टर सोनल मानसिंह समग्र शिक्षण प्रणाली में विश्वास रखती हैं। नृत्य, संगीत, योग, संस्कृत और हमारी सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने और संभालने पर जोर देती हैं। डॉक्टर सोनल मानसिंह राज्यसभा सदस्य हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अपनी अलग पहचान है। सन 1992 में पद्म भूषण एवं सन 2003 में पद्म विभूषण से आप अलंकृत हुई हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान में आप प्रधानमंत्री द्वारा चयनित नवरत्नों में से एक हैं। Her unique contribution has been her lifelong work using and utilizing her knowledge to address socio-cultural issues through the chosen medium of Natya Katha, solo dance theater, and group choreographies, most recent being Sankalp Se Siddhi and Shri Devi Mahatmya, dedicated to Swachhata. श्री कामाक्ष कलापीठं कलासौंदर्यचंदिरं ज्ञानपीयूष निस्यंदं नाट्यसंगीतमंदिरं आत्मव्यक्तित्वसामर्थ्य बोधनोद्भावने रतं कला विज्ञान विद्यानां अभ्यासादुज्वलं पदम् इंद्रप्रस्थ पदे चारु राजधान्यं प्रतिष्ठितं भारतीयमिदं केन्द्रं नाट्यलीलालयोज्वलम्। जय श्री भगवती कामाख्या। वर्षों वर्ष भगवती ही हमारी मुख्य अतिथि गुवाहाटी से आती हैं और
उनके सामने ही हमारे कार्यक्रम प्रस्तुत होते हैं। दो वर्षों से जो कोविड ने अत्याचार किया, सबसे बड़ा झटका मुझे लगता है कि दर्शनकारी कलाओं पर पड़ा। द परफॉर्मिंग आर्ट्स आई थिंक वर द वर्स्ट सफरर्स बिकॉज इवन द डेली वेजर्स गॉट पैकेट्स एंड पैकेजेस फ्रॉम गवर्नमेंट, बट आई थिंक द परफॉर्मिंग आर्टिस्ट्स एस्पेशली जो फ्रीलांस कलाकार, द फ्रीलांस आर्टिस्ट्स। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट एट लास्ट वी हैव द अपॉर्चुनिटी कि अब हमारा खुल गया है भाग्य, मैं कहूँ, लेकिन फिर से कुछ आहट आ रही हैं। मैं आप सब से विनती करती हूँ कि सब प्रार्थना करें कि अब दोबारा से इसकी ऐसी लहर ना आवे कि सब फिर से बंद हो जाए। अब सहन करना दुश्वार होगा, मुश्किल होगा। तो इसीलिए मैं विशेष करके कामाख्या माई से यही प्रार्थना करती रहती हूँ कि माँ, तुम साक्षात सरस्वती हो, लक्ष्मी हो, दुर्गा हो। लक्ष्मी का तो काम चल ही रहा है, दुर्गा की बारी आने वाली है आई होप निकट के भविष्य में। लेकिन जिस तरीके से सरस्वती माई, माता भगवती को दूर रहना पड़ा, वो दोबारा ना हो। तो हमारा ये सेंटर फॉर इंडियन क्लासिकल डांसेस, जो बाद में श्री कामाख्या कला पीठ के नाम से प्रसिद्ध हुआ, 45 वर्ष पहले इसकी स्थापना हुई, 30 अप्रैल 1977, 30 अप्रैल 1977। और वो भी उस वक्त मैं तो आई वॉज इन द फुल स्विंग ऑफ परफॉर्मिंग, लेकिन कुछ हितैषी हमारे मित्र, कला रसिक मित्र, तो उन्होंने बहुत आग्रह किया कि संगीतकार 90 वर्ष की उम्र तक भी गाते हैं, इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, सिखाते हैं, बट फॉर अ डांसर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टीच व्हेन द टीथ हैव फॉलन ऑफ, हेयर हैव फॉलन ऑफ एंड यू कांट इवन टेक अ स्टेप। तो इस तरीके से मुझे पटाया गया, मैं कहूँ, और सेंटर फॉर इंडियन क्लासिकल डांसेस की स्थापना हुई। टुडे 45th एनुअल फेस्टिवल इन द 45th ईयर ऑफ आवर फाउंडिंग ऑफ द इंस्टीट्यूट। थोड़ा ताली बजा दो। नहीं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि इट्स वेरी इजी टू फॉर द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस टू कैरी ऑन। Also, somewhere it is okay for those with a heritage, with legacy, with families who support. But somebody like me, who has lived alone, who ran away from family, मैं भाग गई थी घर से 1963 में। आप सोचिए, काफी लोगों का जन्म भी नहीं हुआ होगा। तो भाग गई थी और 1967 से दिल्ली में आके रही। तो मैं कहूँगी कि ये माँ की कृपा है कि अभी तक इसको सशक्त रखा है, और हमारे यहाँ से हज़ारों लड़के लड़की कला, संस्कृत, योग, संस्कृति के बारे में सीख के आगे गए हैं। एंड दे आर वर्ल्ड वाइड, मोस्ट हैव ओपन देयर इंस्टीट्यूशंस, दे आर टीचिंग, सम आर स्टिल डांसिंग। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। आज मेरा बहुत अच्छा, बड़ा सौभाग्य हम सबका है कि पूज्य माननीय श्री भागवत जी हमारे बीच में हैं, और उनका विशेष रूप से नागपुर से आना कितना बड़ा आशीर्वाद है वो मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे आनंद का वर्णन मैं नहीं कर सकती। और मुझे बहुत ही गर्व है कि भूपेंद्र यादव जी हमारे पास हैं, हमारे माननीय यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं, श्रम, पर्यावरण और पता नहीं और भी चीज़ें हैं उनके पास, मुझे लिस्ट नहीं याद रहता है। आई डोंट नो हाउ दे मैनेज, क्योंकि हम तो एक ही करते करते जीवन हमारा निकल गया। आप लोग चार चार पांच पांच चीज़ें संभालते हैं और उसके ऊपर हंसते रहते हैं। ये मात्र या तो कलाकार कर सकता है या तो पॉलिटिशियन कर सकता है। सो मेरे को जब इस कार्यक्रम में बुलाया और
दीदी उपस्थित हैं, पूज्य सरसंघ चालक जी उपस्थित हैं, तो मैंने आग्रह किया था कि मैं बोलूँगा नहीं तो अच्छा रहेगा। तो उनके सामने वैसे भी मैं क्या विषय रखूं, लेकिन लगभग 3-4 साल पहले एक दिन दीदी से लंबी बात हुई थी। वो बहुत ही कला के प्रति समर्पित रही हैं। जब उनकी बायोग्राफी मैंने पढ़ी तो उनके दादा गवर्नर थे, मुरारजी भाई के दोस्त थे, और कला पे पहली लड़ाई उन्होंने शायद मुरारजी भाई के साथ ही करी थी। वो पूरा वर्णन उनकी बायोग्राफी में आता है। और उसके बाद हमारे मित्र अयोध्या के यतीन्द्र मिश्रा जी ने एक बहुत अच्छा संवाद लिखा है, वो पुस्तक भी देवप्रिया नाम से प्रकाशित हुई है। और उस पुस्तक को पढ़ने के बाद, क्योंकि उसमें पूरा दीदी का इस पूरी नृत्य कला का बहुत बड़ा इंटरव्यू है, और जो उन्होंने क्लासिकल ये जो संस्था की स्थापना करी है, तो उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये रही है कि वो नृत्य की एक विधा में नहीं रही। उन्होंने ओडिसी से लेकर के और देश के जितनी भी नाट्य और कला की जो नृत्य की विशेषताएं हैं, तो बहुत कम हमारे देश में ऐसे बड़े साधक कलाकार हुए हैं जिन्होंने 3-4 तरह के नृत्यों में पारंगतता हासिल करी है। वो पुस्तक पढ़ने के बाद, उस पुस्तक में जब और आगे जाते हैं तो कुछ कार्यक्रमों की विशेष अनुभूति की चर्चा भी उस पुस्तक में आती है। जब हमारी बहुत विशेष चर्चा हुई तब ध्यान में आया कि दीदी कामाख्या की बड़ी उपासक है, और आज रामकथा है और कल 10 महाविद्या पे उनका प्रस्तुतिकरण है। और उनकी एक बड़ी विशेषता राज्यसभा में रही कि अब हमारे राज्यसभा के भी कुछ सदस्य स्थायी रूप से उनसे जाकर शिक्षा लेने लगे हैं। कम से कम राजनीति में संस्कृति का ये प्रचार और समन्वय उन्होंने बड़ा स्थापित किया है। और इसलिए एक बार, शायद पहली बार संसद में हुआ होगा कि कुछ राज्यसभा के सदस्य जब रिटायर होने लगे तो बहुत सारे सांसदों ने भी हिम्मत करके दीदी के साथ प्रस्तुतिकरण इस बार देने की कोशिश करी। तो मेरे को ज़्यादा यहाँ बोलना नहीं है, परम पूज्य सरसंघ चालक जी हमारे बीच में, हमारा सौभाग्य है कि एक सुंदर राम कथा का हमको सबको इसके बाद कार्यक्रम में उनका आशीर्वाद भी मिलेगा, और इस सुंदर प्रस्तुति के द्वारा निश्चित रूप से हम सब लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। वैसे तो जो सुंदर राम कथा का प्रसंग है उसके लिए हम सब लोग आए हैं, इसलिए मैं भी ज़्यादा नहीं बोलूँगा, परंतु एक संयोग और जुड़ा है इस कार्यक्रम के साथ। कल दीदी का जन्मदिन है, तो इस अवसर का लाभ लेकर आप सब लोगों की ओर से मैं उनको दीर्घायु आरोग्य की शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए उनकी यही तपस्या जारी रहे ऐसी शुभकामना भी देता हूँ। और दीदी ने एक बात कही कि राजनीतिज्ञ और नर्तक ही केवल सारे अवधान रख सकते, एक तीसरा है जो आत्मसाधना में रत रहता है, सत्य की खोज में रहता है, वो भी ऐसे ही करता है। पुंगानुपुंग विषये क्षण तत्परोपि ब्रह्मावलोकनमतिम न जहाति योगी। भौतिक दुनिया में रहता है इसलिए अनेक प्रकार के विषयों के ढेर उसका अवलोकन करना पड़ता है, उसको डील करना पड़ता है, वो करते हुए भी सतत सत्य के भाव में रहने की अपनी बुद्धि को वो छोड़ता नहीं। जैसे संगीतता ललय नृत्य वशंगता भी मूर्धस्थ कुंभ परिरक्षण धीर नटी इवा। तो ये कला और अध्यात्म साथ में जोड़ा है, क्योंकि हमारे यहाँ कला केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, वो उन्नयन के लिए है। और इसलिए कभी कभी मुझे कला का कोई अध्ययन वगैरह ऐसा तो मेरा है नहीं, लेकिन सौभाग्य है देखने को मिला है मुझे, उससे कभी कभी ऐसा लगता है कि योगासन, नृत्य के पदविन्यास मुद्राएं आदि और भारतीय
निशस्त्र युद्ध कला, इसके पदन्यास मुद्राएं, हाथ की मुद्राएं ये लगभग समान है, केवल फोर्स और स्पीड में फर्क है। और अपने यहां इन तीनों का उपयोग केवल उसका जो भौतिक उपयोग है उसके लिए नहीं है, अपने उन्नयन के लिए। तो ऐसी यह है, और इसलिए अपने यहां पर ये संगीत कला आदि से विहीन मनुष्य को पुच्छ विषाणहीन पशु कहा है, बिना सिंह पूछ वाला पशु, जिसको कला नहीं है उसको। और ऐसा होता नहीं, मनुष्य के अंदर कितना भी वो अनभिज्ञ रहे दुनिया के बारे में, लेकिन प्राकृतिक दृष्टि से कला के प्रति आकर्षण ये रहता ही है। लेकिन उस कला को जीवंत रखना, उसी स्वरूप में आगे ले जाना और लोकप्रिय करना, इसके लिए कलाकार स्वांत सुखाय तो करता ही है, लेकिन बहुजन हिताय तपस्या करता है। तो ऐसे तपस्वी कलाकारों में सोनल दीदी का आज नाम है देश में, तो उनकी यह तपस्या जारी रहे और उसके कारण हम सबको सांस्कृतिक उन्नयन का लाभ मिलता रहे, यही एक मनोकामना, शुभकामना आज के दिन व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। मेरे चार शब्द समाप्त। भारतीय संस्कृति में कथा कथन अथवा कथा वाचन एक प्राचीन विधा है, जिसे गुरु डॉक्टर सोनल मानसिंह जी ने अपने वाक कौशल्य, इतिहास, सामाजिक मुद्दे, पौराणिक कथाओं आदि का समावेश कर लोकप्रिय बनाया है। समाज में स्त्री का स्थान, परिवेश, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थिति, इन सभी मुद्दों को छूते हुए ये बड़ी खूबसूरती से अपना संदेश समाज के हर वर्ग तक पहुंचा देती हैं। लाइव म्यूजिक एबली सपोर्ट्स द सिंगिंग ऑफ मेनी पॉपुलर भजन, पोएम्स एंड श्लोक इन फाइव ऑफ द मेनी लैंग्वेजेस स्पोकन इन इंडिया, सच एज हिंदी, गुजराती, मराठी, उड़िया एंड इंग्लिश। Her narrative skills bring alive the episode's grandeur and deeper import of the events. तो लीजिए, प्रस्तुत है कथा सिया राम की। राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। रामेति राम भद्रेति रामचंद्रेति वास्मरन्, नरो न लिप्यते पापे मुक्तिं मुक्तिं च विन्दति। लो
का विरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरंतं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। शरणं प्रपद्ये। शरणं प्रपद्ये। श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। कथा सिया राम की इस यात्रा का शुभारंभ अब होता है जब अयोध्या के राजा दशरथ निस्संतान थे। तीन रानियां थीं, कौसल्या, कैकेयी, सुमित्रा। पुत्र कामेष्टि यज्ञ की रचना हुई। ऋषिगण आए, मुनि आए, विप्रवर आए और उस यज्ञ की जब पूर्णा होती हुई तो साक्षात अग्निदेव प्रकट हुए। उनके हाथ में स्वर्ण पात्र में पायस खीर और कहा कि तीनों रानियों को प्रसाद दे दें, आपकी पुत्र इच्छा पूर्ण होगी। द बोल ऑफ व्हाट यू कॉल खीर, मिल्क पुडिंग इन इंग्लिश। आई हैव टू, आई एम गोइंग टू से लिटिल बिट इन इंग्लिश, स्पीक लिटिल बिट बिकॉज देर आर सम फ्रेंड्स फ्रॉम अब्रॉड एंड फ्रॉम साउथ हु मे नॉट अंडरस्टैंड हिंदी, बट आई थिंक श्री राम एंड देवी सीता अंडरस्टूड एवरी लैंग्वेज, सो देर विल बी नो प्रॉब्लम। इस प्रकार दो हिस्सों में एक महारानी कौशल्या को प्रसाद दिया, एक महारानी कैकेयी को प्रसाद दिया। दोनों ने अपनी अपनी खीर और आधा कर सबसे छोटी रानी सुमित्रा को दिया और इस तरह से पुत्र प्राप्तियां हुई। महारानी कौशल्या की कोख से इक्ष्वाकु कुलमणि श्री राम का जन्म हुआ और कैकेयी की कोख से भरत एंड सुमित्रा की कोख से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। अवधेस के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में विहरे। ऐसे चार बालकों, चार राजकुमारों की हिफाजत हो रही लेकिन अयोध्या के नगर नागरिक का आनंद नहीं समा रहा, बधाई देने के लिए तत्पर हैं, उत्सुक हैं, तो आज्ञा हुई बधाई गान हो जाए। अवध में जन्म राम सलोना, अवध में राम सलोना, अवध में जन्म राम सलोना, अवध में जन्म राम सलोना।
आनंद मंगल उत्सव छाया रहा और चारों पुत्र दिन दुगुने रात चौगुने बढ़ते चले गए। एक दिन ये खबर फैल गई, महाराजा दशरथ श्री राम को लेकर महल के दरवाजे पर आ रहे हैं। चलो 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 चलो, सब दौड़ पड़े दर्शन के लिए। और जैसे ही महाराजा दशरथ अपने नन्हे से राम को लेकर पहुंचते हैं, बाकी तीनों कुंवर भी साथ साथ रानियों के गोद में आते हैं, तो वहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं अयोध्या की एक स्त्री बनकर, एक नागरिक बनकर जैसे कि दृश्य निहार रहे हैं और वर्णन करते हैं। अवधे सके द्वार सकार गई सुत गोद के भूपति लैलिक से, अवलोकी हो सोच विमोचन को ठगी सी रही जे न ठगे थिक से। अवधेश के द्वार सकार गई, उनके द्वार पर मैं सुबह सुबह पहुंची सुत गोद के भूपति लैनिक से, गोद में अपना पुत्र लेकर सबसे बड़ा भूपति राजा आए। वो देखकर मैं तो ठगी सी रह गई। आई वॉज dumbstruck लुकिंग एट द ब्यूटी, बट जो भी जिनको भी ऐसा अनुभव नहीं हुआ उनको धिक्कार है। क्यों? तुलसी मन रंजन रंजित अंजन नैन सुखंजन चातक से। तुलसी कहते हैं, तुलसी मन रंजन रंजित अंजन नैन सुखंजन चातक से। चातक इज ए वेरी स्पेशल बर्ड इन इंडिया, और कहते हैं कि वो उसकी आंखें इतनी सुंदर होती हैं, तो उसके ऊपर काली लकीर लगी हुई है। और सजनी ससी में समसील उभय नवनील सरोरुह से बिकसे। In the blue lotus face, because Shri Ram, being the incarnation of Sakshat Narayan Vishnu, unke sharir ka rang saanvla hai. Us saanvle sundar manohar mukh par
दो रक्त कमल की पंखुड़ियों की तरह उनके विशाल नेत्र विराजमान हैं। तुलसी मन रंजन रंजित अंजन नयन सुखंजन चातक से सजनी ससि में समसील उभय नवनील सरोरुह से विकसे। फिर कहते हैं अरविंद सो आनन रूप मरंद अनंदित लोचन भृंग पिए मन मोन बसो अस बालक जो तुलसी जग में फल कौन जिए। अरविंद सो आनन लाइक द लोटस द फेस फुल्ली ब्लॉसम्ड अरविंद सो आनन रूप मरंद अनंदित लोचन माई आईज बिकम लाइक द हनी बी भ्रमर की तरह मेरी आंखें उस कमल की ओर खींची जा रही है। और यदि ऐसा बालक आपके हृदय में वास नहीं करता क्या फायदा है जीने का, बेटर नॉट लिव। एंड दिस पॉइंट्स टू द जनरल अपैथी टुवर्ड्स beauty and aesthetics today. हम कुछ सुंदर देखते हैं तो हमारे मन में आहा की भावना क्यों नहीं उत्पन्न होती। एक फूल खिला है, एक कमल खिला है, एक भ्रमर गूंज रहा है और उसको देखते हुए तरह तरह के भाव स्पंदन स्पंदित होते हैं। पगनूपुर ओ पहुंची कर कंजनी मंजुबनी मनी माल हिए नवनील कलेवर पीत झका झलके पुलके रिप गोद दिए। A small little golden anklets नूपुर छोटी सी पहुंची और छोटी सी माला जैसे वो हिल डुल रहे हैं हिल डुल रही है और उस श्यामल बदन में उस मेघ श्याम शरीर पर जैसे बिजली कड़क रही हो वैसे पीला पीतांबर। पीतांबर श्री राम भी पहनते हैं, पीतांबर श्री कृष्ण भी पहनते हैं क्योंकि दोनों नारायण विष्णु के अवतार हैं। ऐसा दृश्य देखते हुए तुलसीदास वर्णन करते चले जाते हैं और यहाँ पर नगर नागरिक उत्सव मनाते चल रहे हैं, पुत्र बड़े हो रहे हैं और धीरे धीरे उनकी अस्त्र विद्या शस्त्र विद्या घुड़सवारी अस्त्र शस्त्र शास्त्र हमारे यहाँ शास्त्र और शस्त्र दोनों एक साथ और इन दोनों का समावेशी अभ्यास ही विद्या होती है और इसका जो बैलेंस बनता है जीवन में वो कभी आपको पीछे नहीं हटने देता। तो यहाँ पर विद्याभ्यास भी चल रहा है शास्त्र का शस्त्र का अस्त्र का और मर्यादाएं उन सब का पालन पूरी तरह हो रहा है जब एक दिन दरबार में आगमन होता है ऋषि विश्वामित्र का। ऋषि विश्वामित्र के आने की खबर सुनते ही राजा दशरथ दौड़ पड़ते हैं और उनको सादर ले आकर पीठासीन करते हैं, उनका यथोचित आदर सत्कार होता है। हमारे यहाँ ये गुरु परंपरा रही है ऋषि मुनियों का बड़ों का आदर करना, चाहे वो राजा हो चाहे महाराजा हो। लेकिन वशिष्ठ कुल गुरु उनको सब पता है कि विश्वामित्र का आगमन क्यों हुआ है। गुरुवर ऋषिवर आपका कैसे पधारना हुआ? बिना हिचकाए जो विश्वामित्र जी का स्वभाव था बोले मेरे आश्रम में राक्षसों को असुरों का भयंकर तांडव है, हमारा एक भी यज्ञ संपूर्ण नहीं होने देते, अस्थियों की लहू की वर्षा होती है, मैं सैन्य आपके साथ तुरंत भेजता हूं। नहीं, मैं स्वयं चलता हूं आपके साथ ऋषिवर। नहीं तो फिर राम और लक्ष्मण को मेरे साथ आप भेजेंगे। सुनते ही राजा दशरथ के मुंह का जैसे कि लहू उड़ गया। लेकिन कुलगुरु वशिष्ठ ने कहा राजन
राजन इनकी इच्छा पूर्ण करो। तब तक राम और लक्ष्मण बड़े हो चुके हैं, उनको बुलाया गया, किशोरावस्था में है, और उनको कहा गया कि आप ऋषि के साथ प्रयाण करें, प्रस्थान करें और यथोचित कार्य करें। आज्ञा ले, प्रणाम कर, राम और लक्ष्मण बिना कोई प्रश्न पूछे विश्वामित्र जी के पीछे चल पड़े। और जैसे जैसे वो आश्रम के निकट आते गए तो हाहाकार मचा है, असुरों ने, राक्षसों ने वर्षा शुरू कर दी, अस्थियों की वर्षा हो रही है, लहू रक्त की वर्षा हो रही है, मज्जा की वर्षा हो रही है, भयंकर तांडव मचा हुआ है। यहाँ सारे आश्रम वासी यज्ञ छोड़कर भागम भाग कर रहे हैं। तुरंत श्री राम लक्ष्मण ने पीछे जो बचे थे भाग गए, और पूरे गंगा जल से शुद्धिकरण होने के बाद यज्ञ फिर आरंभ हुआ, संपूर्ण हुआ बिना विघ्न के, और फलश्रुति हो गई। विश्वामित्र ऋषि अत्यंत प्रसन्न हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, कह रहे हैं कल सवेरे हम प्रस्थान करेंगे मिथिला के लिए। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे, पूछा ही नहीं मिथिला क्यों जी, दूसरे दिन सवेरे चल पड़े। आगे ऋषि विश्वामित्र, पीछे श्री राम और लक्ष्मण। मार्ग में जितने जितने आश्रम आए, वहां वहां रुक कर विश्राम किया, ऋषियों से, ऋषि पत्नियों से आशीर्वाद दिलवाया, कुछ चर्चा विचारणाएं हुई, और ऐसे धीरे 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 आगे चलते गए। जब मार्ग में अचानक श्री राम रुके और आज्ञा ली, आज्ञा हो तो गुरुवर मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। पूछो, ऐसा नहीं कि जो मन में आया पूछ लिया, गूगल नहीं था तब। श्री राम ने मर्यादा से आज्ञा ली और तब प्रश्न पूछा कि यहां इतना विशाल आश्रम, लेकिन न कोई पशु प्राणी, न कोई खग विहग, न कोई व्यक्ति, निर्जन, गुरुवर ऐसा क्यों? ऋषि विश्वामित्र ने तब अहल्या की कथा सुनाई, जिनको ब्रह्मा की मानस पुत्री कहा गया, जो स्वयं ब्रह्म ज्ञानी थी, लेकिन एक स्खलन की वजह से, उसके कारण उन्होंने अपने आप को गहरी समाधि में उतार लिया था। समाधि अवस्था में पाषाणवत अहल्या जहां बैठी थी, वहां ऋषि विश्वामित्र ने इंगित किया, देखो वो है अहल्या, जाओ उनका चरण स्पर्श करो। वाल्मीकि रामायण में यह प्रसंग आता है, और बाद में उसका जो भी हुआ उसकी बात हम नहीं करेंगे, लेकिन वाल्मीकि रामायण क्या कहता है, वो कैसे दिख रही है, धूमेना भी परीतांगी दीप्तम अग्निशिखामिव, धूम्र से धूम्र छाया हुआ है और वो स्वयं दीप्तम अग्निशिखामिव। हे रघुनंदन, चाहो चरण स्पर्श करो उनका। और दोनों गए, और श्री राम ने जब
झुककर अहल्या का चरण स्पर्श किया। उस स्पर्श से अहल्या गहरी समाधि से बाहर आई। और उनकी दृष्टि पड़ी नारायण पाद पे। वहां श्री राम ने एक क्षण के लिए अपना नारायण स्वरूप दिखाया, शंख चक्र गदा पद, और अहल्या को आशीर्वाद दिया। फिर बन गए राम और अहल्या इस तरीके से फिर अपने जीवन में लौटी। यहां से आगे चले मिथिला की ओर, पहुंचे मिथिला। स्वयं महाराजा जनक ने आगे बढ़कर स्वागत किया और उनको अपने ही राजनिवास में उनको रखा है, उनका पड़ाव दिया है। वैसे तो पूरी मिथिला नगरी आनंद उत्सव में है। क्यों? क्योंकि राजकुमारी सीता का विवाह कल होने वाला है। स्वयंवर मंडप रचा गया है। राजा महाराजा सामंत चक्रवर्ती सम्राट सभी दिशाओं से एकत्रित हुए हैं। सबके पड़ावों पे उनकी ध्वजा पताका लहरा रही है। सैनिक यहां वहां हलचल मची हुई है। उसमें राजप्रसाद में ले गए और बड़े सम्मान के साथ, ऋषिवर आपका आगमन बहुत शुभ संकेत है। विश्वामित्र ने परिचय कराया, ये हैं श्री राम और ये हैं अनुज लक्ष्मण। महाराजा दशरथ के दो पुत्र हैं भरत और लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, जो अभी इनके साथ नहीं आए हैं। और पूरा बताया कि आश्रम में इतना उधम मच रहा था इसलिए उनको लेके गया था और अब मैं उनको लेकर यहाँ आया हूँ। आशीर्वाद। श्री राम और लक्ष्मण थोड़ी देर के बाद गुरुवर से कहते हैं कि आपकी आज्ञा हो तो राज उद्यान बड़ा सुंदर दिख रहा है, हम थोड़ा उद्यान में घूम लें। जाओ जाओ, आनंद लो। उद्यान में तरह तरह के वृक्ष फूलों से लचे हुए, फल से लचे हुए, लता बेल अति सुगंधित, जलाशयों में कमल उनके ऊपर भ्रमर गूंज रहे, पक्षियों की चहचहाट, मोर नाच रहे और हंस जलाशय में क्रीड़ा कर रहे। ये सारा देखते देखते अत्यंत आनंद लेते हुए जैसे ही राम और लक्ष्मण आगे चलते हैं तो दूसरी दिशा से राजकुमारी सीता अपनी सखियों के साथ उस राज मंदिर में जा रही हैं जहां कुल देवी गौरी की पूजा करनी है। और अब गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में क्या वर्णन करते हैं, क्या होता है, कैसे नेत्र कटाक्ष होते हैं, आप देखेंगे। सबसे पहले यहां आ रहे राम लक्ष्मण और वहां से आ रही है जानकी। देखन बाग कुंवर दुई आए, देखन बाग कुंवर दुई आए, सब भाई सुहाए, किशोर सब भाई।
कौर कहो बखानी गिरा अनयन नयन बिनु बानी। कहते हैं कि सखी वर्णन करने में असमर्थ है, क्या कहूं क्योंकि जीभ को दृष्टि नहीं है और आंखों को वाणी नहीं है, दोनों का मेल नहीं हो रहा। गिरा अनयन नयन बिनु पानी देखन भाग पुवर दुई आए देखन भाग पुवर। सुनी हर से सब सखी सयानी सुनी हर से सब सखी सयानी। ही अति उत्कंठा जानी सियही अति उत्कंठा जानी। वरनत छवि जहाँ तह सब लोग अब से देखी यही देखन जो देखन भाग सुंदर तुई आए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी कह रहे हैं कि क्या हो गया, कंकण किंकणी नूपुर की ध्वनि सुनकर, ध्वनि सुनते ही मेरे मन में खलबली मच गई है। मान हूँ मदन दुंद भी दीन ही मन सौ विश्व विजय कहाँ कीन ही। और ऐसा कहकर श्री राम ने जब उस ओर देखा तो क्या हुआ, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। दृष्टि दृष्टि दृष्टिपात हुआ एक दूसरे के साथ और उसके बाद कंकण किंकिणी नूपुर धुनि सुनि नूपुर धुनि सुनि कंकण किंकिणी कंकण किंकिणी कंकण किंकिणी। श्री राम इज थिंकिंग शायद क्वचित यही है वो जानकी राजकुमारी जिनके विवाह के लिए लोग आए हैं। तात जनक तनयाय सोई धनुष जे कारण होई पूजन तोरी सखीले आई करत प्रकाश की रही फूल पाई अलौकिक शोभा मोर मन सीता की आंखें तो मिल गई थी राम से। अब राम और लक्ष्मण आगे बढ़ गए, सीता यहां वहां उनको देखने के लिए राम को देखने के लिए आंखें उनकी ढूंढ रही हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं जहां जहां सीता की दृष्टि पड़ी जैसे कि सफेद कमल खिल गए। चितवत चकित च
चहती सी सीता कहाँ गए नृप किशोर मन चिंता चितवत चकित चहती सी सीता कहाँ गए नृप किशोर मन कमल स्वित स्वेणी। चतुर सखी ने कहा देखो देखो उस लता के झुरमुट के पीछे देखो लता ओट तब सखी न खाए श्यामल गौर किशोर सुहाए देखी रूप लोचन ललचाने हर्ष जनुनि Once she saw him, लगा कि जैसे मेरा खोया हुआ खजाना मेरी संपत्ति मिल गई लेकिन तब तक सीता जो इतनी नाजुक हैं थके नयन यहाँ वहाँ देखते देखते नयन थक गए हैं थके नयन रघुपति छवि देखे पलकन हूँ परिहरिणी मेखे और फिर लोचन मग राम ही उरानी दिने पलक कपाट सयानी दिने पलक कपाट सयानी शी ब्रॉट राम नेत्र दृष्टि के मार्ग द्वारा लाके हृदय में विराजमान कर लिया और बड़ी चतुराई से ऊपर पलके बंद करके जैसे दरवाजा बंद कर दिया अब सखियां विचार में पड़ गईं धरी धीरज एक आली सयानी सीता सन बोली गही पानी धरी धीरज एक आली सयानी सीता सन बोली गही पानी बहुरी गौरी कर ध्यान धरे हूँ बहुरी कौरी कर ध्यान धरे हूँ भूप किशोर देख किन्हले हूँ अरे आँख खोल बहुत ध्यान कर रही है पता है आंखें खोल के देख तो ले पहले उनको धरी धीरज एक आली सयानी शर्मा के संकोच से सकुची सिया तब नयना उघारे सन्मुख दो रघु सिंह निहारे नख सिख देख राम के शोभा नख सिख देख राम के शोभा सुमिर पितापन मनाति शोभा सुमिर पितापन मनाति शोभा सखी न लखी जब सीता भय कहरु सब कहाई सखीता दब्रन सखी ये कह रही है क्या हो गया अरे अरे कुछ करना पड़ेगा तो एक जो चतुर सखी ज्यादा चुलबुली है वो आगे जा रही है और कह रही है आपको हमारी सखी को देखना हो तो कल इसी समय इसी यहीं पे इसी स्थान पे आप आ जाना तो कल देख लेना उनको मुनि
आऊ बही बीरिया काली अस कही मन भी हसी एक आली देखन में समृग बिहग तरु फिरई बहारी बहारी निरख निरख रघुबीर छवि बाढ़े प्रीति न घोर बाढ़े प्रीति नेत्र कटाक्ष बहुत खतरनाक चीज़ होती है, कहाँ आपकी आँख की दृष्टि से आप कहाँ चले जाते हैं ये तो भगवती की ही लीला होती है, चाहे वो नारायण स्वरूप श्री राम हो, चाहे भूमि देवी सीता हो, भूमि कन्या सीता हो। लेकिन अब ये सारा प्रसंग हो गया, श्री राम और लक्ष्मण वापस आ गए राजप्रसाद में, श्री राम का मन वही मंडरा रहा है, देवी सीता का मन वही मंडरा रहा है। इसी बीच दूसरी सुबह तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, नगाड़े दुंदु भी बज रहे हैं और सारे पड़ावों से राजा महाराजा सामंत चक्रवर्ती सम्राट अपने अपने लोगों के साथ आ रहे हैं और अपने अपने स्थान मंडप में ग्रहण कर रहे हैं। वहां पर महाराजा जनक का आगमन होता है और साथ ही साथ ऋषि विश्वामित्र के साथ पीछे श्री राम और लक्ष्मण भी पधारते हैं। राजत राज समाज कोसल राज किशोर सुंदर श्यामल गौर तन विश्व बिलोचन चोर राजत राज समाज महु कोसल राज किशोर सुंदर श्यामल गौर तन विश्व बिलोचन चोर राजत राज समाज महु कोसल राज किशोर सुंदर श्यामल गौर तन विश्व बिलोचन चोर भोले बंदी बचन भर सुनो सकल मनिका मन भी देह कर कहीं हम उठा उठाई पिसार भोले बंदी बचन भर सुनो सकल मनिका मन भी देह कर कहीं हम उठा उठाई पिसार चारण बंदी जन कवित गा रहे हैं और कह रहे हैं सुन लीजिए सभी महाराजा जनक की क्या प्रतिज्ञा है सुन लीजिए। कहते हैं कि राजाओं की जो भुजबल है बड़े बड़े वीर आए हैं या सामंत आए हैं महारथी आए हैं लेकिन महाराजाओं का भुजबल जो है वो चंद्रमा की तरह होगा लेकिन शिव जी का दिया हुआ धनुष वो राहु है जो उसको ग्रस लेगा। नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु गरुब कठोर विदित सब काहू नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु गरुब कठोर
विदित सब काहू रावण पान महापट मारे देख सरासन कवि रावण पान महापट मारे देख सरासन कवि सिधारी इवन रावण एंड बाण जैसे महाराजा वीर पुरुष जब देखा इस धनुष को तो वैसे ही चलते बने वही है सोई पुरारी को दंड कठोरा राज समाज आज जो ही जोरा सोई पुरारी को दंड कठोरा राज समाज आज जो ही तोरा त्रिभुवन जय समेत वैदेही बिनही विचार बरई हठते वंस इफ समबडी इज एबल टू लिफ्ट इट स्ट्रिंग इट एंड ब्रेक इट विदाउट एनी फर्दर अडू प्रिंसेस जानकी विल मैरी हिम ये सुनते ही सभी के मन में आशा महा आशा जग उठी सुनीपन प्रतिज्ञा प्राण सुनीपन सकल भूप अभिलाखे सुनीपन सकल भूप अभिलाखे भटमानी अतिशय मन माखे भटमानी अतिशय मन माखे अपने अपने को बड़ा वीर समझने लगे परिकर बांध उठे अकुलाई परिकर बांध उठे अकुलाई लेकिन एज इज द कस्टम चलने से पहले जाने से पहले उसके पहले अपने कमरबंद तो बांध लिए लेकिन अपने अपने इष्ट देवी देवता का आशीर्वाद लेने लगे हे प्रभु हे माँ हे भगवती सिद्ध कर दो अब क्या होता है आगे बढ़ते हैं राजा किसी से भी हाथ लगाते ही जैसे कि बेहोश हो गए अब तुलसीदास जी की अतिशयोक्ति उनका अलंकार अतिशयोक्ति की अतिशयोक्ति एग्जैजरेशन टू व्हाट एक्सटेंट दैट इट बिकम्स सो ब्यूटीफुल 10,000 राजा इकट्ठे हो जाते हैं कहते हैं हम सब इकट्ठे उठाएंगे धनुष को बाद में सोचते नहीं है बाद में क्या होगा 10,000 राजा
तो तुलसीदास जी कहते हैं, भूप सहस दस एक ही बारा, तब करो इसको, लगे उठावन तरही। बहुत रेवर्ब बहुत ज्यादा है, कम कीजिए। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावना तारा ही तारा। नहीं हुआ, चलते बने। कैसे गए? श्री हत भय हारही राजा। भाई हरकत मत बजाइए, श्री हत हो गए बेचारे, नूर उड़ गया, मुंह का नूर उड़ गया, शरीर शिथिल हो गया। श्री हत भय हारी ही राजा, बैठे निज निज जाए समाजा। अपनी अपनी जगह जाकर बैठ गए। भूप सहस रस एक ही बारा, लगे उठावन तर श्री हत भय हारी ही राजा, बैठे निज निज जाए समाजा। श्री हत भय हारी ही राजा, बैठे निज निज जाए समाजा। ये दृश्य देखकर राजा जनक का धैर्य टूट गया। जनक विदेही, ऐसा महान राजा जो स्थित प्रज्ञ है, लेकिन अब उनसे रहा न गया। बोल उठे, क्या दृश्य मैं देख रहा हूं। नृपन बिलोक जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने, कहु काही यह लाभ न भावा, काहु न संकर चाप चढ़ावा। अरे रहु चढ़ाऊ तोरब भाई, तिल भर भूमि न सके छुड़ाई। तिल भर भी भूमि तो आप छुड़ा नहीं सके, हिला नहीं सके। अब जनी को माखे भट मानी, डोंट थिंक यू आर ग्रेट वॉरियर्स, वीर विहीन मही मैं जानी। कोई वीर पुरुष नहीं रहेगा पृथ्वी पर। त्यज हुआस निज निज गृह जाऊ, लिखान विधि वैदेही विवाहु, लिखान विधि वैदेही विवाहु। माखे लखन कुटिल भई मोहे, रदपट फरकत नैन रिसोहे। माखे लखन लक्ष्मण कुटिल भई मोहे, रदपट फरकत नैन रिसोहे। कही जनक अस अनुचित पानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। कही जनक अस अनुचित पानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। लखन सकोप बचन जो बोले, ने समझा ऋषि ने कि शुभ घड़ी आ गई है,
विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति स्नेहमय बानी। पहले लक्ष्मण का कोप शांत किया, बैठो, और फिर राम से कह रहे हैं, उठहु राम भंजहु भव चापा मेटहु तात जनक परितापा। जनक का परिताप दूर करो, उठो राम आगे जाओ धनुष भंग करो। उठहु राम भंजहु भव चापा मेटहु तात जनक परितापा। यहाँ सीता जी अपने झरोखे से निहार रही हैं, मन ही मन प्रार्थना कर रही हैं, उद्वेलित हृदय है। तब राम ही बिलोक बैदेही, तब राम ही बिलोक बैदेही, सभय हृदय विनवत जेही देही। सभी देवी देवताओं को निवेदन कर रही है, प्रार्थना कर रही है, नी के निरख नयन भरी शोभा पितुपन सुमेर बहुरी मन छोभा। At the same time when she is looking at Ram, she is remembering the vow taken by her father. Such a difficult vow. कहा धनु कुलिशहु चाप कठोरा, कहा श्यामल मृदु गात किशोरा, कहा श्यामल मृदु गात किशोरा, कहा धनु कुलिशहु चाप कठोरा, कहा श्यामल मृदु गात किशोरा, कहाँ श्यामल मृदु गात किशोरा। सीता इसके मन में क्या क्या दुविधाएं शंकाएं चल रही हैं वो वही जानती है माँ जानकी। प्रणाम मन ही मन कीन्हा, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाए धनुलीन्हा, अति लाघव उठाए धनुलीन्हा, एक फूल की पंखुड़ी की तरह धनुष को उठा लिया। अति लाघव उठाए धनु लीना, जैसे उस धनुष को उठाया वो समा गया आकाश में। दमके उदामिनी जिमि जब लाया मुनि धनु न पावन बल सम पाया, दमके उदामिनी जिमि जब लाया मुनि धनु न पावन लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा सब देखत ठाढ़े, तेहि छन राम बाध्य धनु कोरा, हरे भगवनि कोर न कोरा, हरे भगवनि कोर न कोरा, हरे Thank you.
छा गया और अब सीता जी का श्रृंगार हो रहा है। सीता जी की सखियां धीरे 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 उनको सजा रही हैं। तन सकोच मन परम उछाहु गूढ़ प्रेम लख परहि न काहु। तन सकोच मन परम उछाहु गूढ़ प्रेम लख परहि न काहु। जाय समीप राम छवि देखी, जैसे ही पास गई श्री राम को देखा, रही जनु कुंवर चित्र अवरेखी, शब्द बन के खड़ी हो गई। जाय समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवर चित्र अवरेखी। चतुर सखी ने कहा जल्दी हाथ पहना दो, शुभ घड़ी जा रही है। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरावो जय माल Thank you.
अंत में तुलसीदास जी का ये कहना है कि श्री रामचंद्र के गले में विजय माला देखते हुए जितने सारे राजा महाराजा सामंत सम्राट चक्रवर्ती थे ऐसे निराश हुए कि जैसे रात की कुमुदिनी सूर्य के खिलते ही मुरझा जाती है। रघुवर उर जय माल देख देव बरस ही सुमन सकुचे सकल भुवाल जनु विलोक रवि कुमुद कना रघुवर उर जय माल श्री राम जय राम जय जय राम 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 हनुमान जी की। अपने सम्मानित अतिथियों से निवेदन करती हूँ कि वे मंच पर पधारें और कलाकारों को आशीर्वाद दें। वी रिक्वेस्ट आवर ऑनर्ड गेस्ट्स टू कम ऑन स्टेज एंड ब्लेस द आर्टिस्ट्स। आप सबका अनुभव है ही प्रस्तुति बहुत जीवंत है तो यही कला का सामर्थ्य है। हम लोग वहाँ बैठे बैठे वहाँ पहुँच गए थे मिथिला में। इतना सुंदर इतनी सुंदर प्रस्तुति भाव के आधार पर वातावरण को प्रभावित करके समय को बदल देने का सामर्थ्य ये अपनी कलाओं में है और कलाओं में है ये सिद्ध होता है ऐसे कलाकारों की तपस्याओं से। तो इनकी तपस्या बढ़ती रहे चलती रहे उसको लोकाश्रय राजाश्रय सब कुछ मिलता रहे और कोरोना जैसे संकट इसमें न आए। हम सबको परम पूज्य सत्संग चालक जी का आशीर्वाद मिल गया और कोई आवश्यकता नहीं। श्री राम सीता का भी मिल गया। श्री राम सीता का तो आशीर्वाद आप स्वयं भगवती स्वरूप में बैठी हुई थी और क्या बड़ा आशीर्वाद। आप सबका बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद।